हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रिजवान। आप देख रहे हैं जीएन मेडिकल चैनल। दोस्तों, क्या आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है? कॉन्स्टिपेशन से परेशान हो गए हैं? लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन रहता है, इंडाइजेशन की यह प्रॉब्लम रहती है, पेट भारी भारी रहता है, या फिर सुबह को पेट साफ नहीं हो पाता, खुलकर टॉयलेट नहीं आती? तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार सीरप लेकर आए हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, जिसका नाम है गुड लेग्स प्लस सीरप। तो आज इस सीरप के बारे में बात करेंगे कि इसको किस किस तरह की डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, या कॉन्स्टिपेशन को ये कैसे ठीक करता है, इसके अलावा और किन किन तरीके की डिजीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉन्स्टिपेशन के अलावा, और इसकी डोज़ कितनी लेना चाहिए, यानी खुराक कितनी ले सकते हैं एडल्ट्स में, और किस तरह के पेशेंट को इस सीरप का ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको लेने के बाद नुकसान क्या क्या दिखाई दे सकते हैं बॉडी में, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस गुड लेग्स प्लस सिरप की जानकारी सभी को हासिल हो सके, और जो लोग भी कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं लंबे समय से, वो इस सिरप से फ़ायदा उठा सकें और अपनी कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकें। तो शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले सिरप के फ़ायदे के बारे में बात करते हैं कि इसको किस किस तरह की बीमारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये एक लैक्सेटिव कैटेगरी का सिरप है जो कि कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल किया जाता है। लैक्सेटिव कैटेगरी की जो भी दवाएँ होती हैं वो कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल की जाती हैं, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बना है, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है कॉन्स्टिपेशन में। लंबे समय से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, चाहे माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है या एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में इसका बहुत शानदार रिजल्ट है और बहुत जल्द से जल्द ठीक करेगा, पहली ही खुराक में आराम मिलेगा, यूँ समझ लीजिए आप, इतना अच्छा इसका रिजल्ट है। और अगर पेट भारी भारी रहता है, पेट संभल के साफ़ नहीं होता, सुबह को टॉयलेट खुलकर नहीं आती, या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, डाइजेशन ठीक नहीं रहता है या खाना ठीक से हजम नहीं होता है, तो उन सब में इस सिरप का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। एक बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करें अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन की वजह से अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हुई है, जैसे पाइल्स हो जाती है कई सारे लोगों को, लंबे समय से अगर कॉन्स्टिपेशन है तो पाइल्स की शिकायत होने लगती है, हर्निया होने लगता है, या फिर कोई भी हार्ट की डिजीज़ होने लगती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने लगती है, तो उसमें भी इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये पेट को साफ़ करेगा, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा, तो वो तो ऑटोमेटिक ही ठीक है होने लगेंगी और डिजीज़, तो इन सब में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट। तो ये इसके फ़ायदे थे दोस्तों, गुड लेग्स प्लस सिरप के फ़ायदे थे। अब बात करें कि इसकी डोज़ कितनी लेना चाहिए, यानी खुराक कितनी ले सकते हैं। तो एडल्ट्स में दोस्तों, इसकी ये कैप लगा है इस पर, 10-10 ml सुबह शाम खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 10-10 ml सुबह शाम इस्तेमाल करें, या अपने नज़दीकी डॉक्टर से पहले सलाह ले लें इसको इस्तेमाल करने से पहले, या हमसे मशवरा ले लें तब इसका इस्तेमाल करें, लेकिन एडल्ट्स में 10-10 ml सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये शुगर फ्री सिरप है, यानी डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, अगर उनको कॉन्स्टिपेशन हुआ है, इस तरीके की कोई भी दिक्कत हुई है, तो वो भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर फ्री सिरप है तो डायबिटीज़ वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमसे पहले मशवरा ज़रूर लें या अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें तभी इसका इस्तेमाल करें। ऐसे इस्तेमाल ना करें, नुकसान तो हो सकता है, क्योंकि इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। बात करें कि इसमें किन किन तरीके की मेडिसिनों को इसमें रखा गया है। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था ये लैक्सेटिव कैटेगरी का सिरप है, लिक्विड पैराफिन को रखा गया है इसमें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को रखा गया है, और सोडियम पीकोसल्फेट को रखा गया है, इन तीनों को मिला करके ये सस्पेंशन बनाया गया है। बात करें कि नुकसान क्या क्या दिखाई दे सकते हैं इसको लेने के बाद बॉडी में, आपके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है आपको लेने के बाद। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है वो है डायरिया। अगर आप इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन तो ये आपकी ठीक कर देगा, लेकिन कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के बाद भी अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये डायरिया कर देगा आपको, दस्त चला देगा, तो इसलिए ज़्यादा लंबे समय तक भी इस्तेमाल नहीं करना है, पहले मशवरा ज़रूर लेना है हमसे। और इसके अलावा एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट सा महसूस करेंगे आप, तो इसलिए लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है, मशवरा ज़रूर लेना है। और दोस्तों, बात करें इसके प्राइस की, 108 रुपये इसका प्राइस है,
गुडलेक्स प्लस के नाम से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, हम आपके एड्रेस पर भिजवा देंगे। तो ये दोस्तों इस सिरप के बारे में पूरी ओवरऑल जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी इस सिरप से फ़ायदा उठा सकें इस वीडियो को देखकर। और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।